नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। हे केशव, आपकी कृपा से अब मेरा मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर शस्त्र उठाओ अर्जुन और बाण चलाओ। ये सब अधर्मी हैं, इनका विनाश करो अर्जुन। बाण चलाओ, बाण चलाओ। कट कट कट, नो नो नो, ऐसे नहीं करना है। कितनी बार बताया है, थोड़ी और एनर्जी लाओ। गेट इन टू द रोल। आंखों में थोड़ा और क्रोध लाओ अर्जुन, थोड़ा और हिंसक भाव लाओ। ओके सर। श्री कृष्ण जी, आप प्लीज थोड़ा सा और उमंग उत्साह लाइए। जरा अच्छे से मोटिवेट कीजिए अर्जुन को हिंसक युद्ध के लिए। अरे सर, अभी दो श्लोक पहले तो आपने कहा था आंखों में थोड़ी निर्मलता लाओ। हे अर्जुन, मामेकम शरणम व्रज, केवल एक मुझे याद करो तो तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। और अब आप कह रहे हैं कि जोश लाओ। हर डायलॉग का अपना एक्सप्रेशन होता है भाई। एग्जैक्टली, मेरा ही रोल देख लो। अभी मैंने बोला कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, और आगे स्क्रिप्ट में लिखा है कि अभिमन्यु वध के बाद मुझे रोना है और विलाप करना है। ये तो सही बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? भैया भैया। अरे जिज्ञासा, मैंने तुम्हें कहा था ना, वहां पर शांति से बैठकर देखना, सेट पर मत आना। लेकिन भैया, एक डाउट है। जब मैं पिछली बार आपकी शूटिंग देखने आई थी तो गीता के थर्ड चैप्टर का 37th श्लोक चल रहा था, जिसमें कृष्ण अंकल ने बोला था कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज वो खुद ही अर्जुन अंकल को युद्ध करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। बच्ची बात तो सही कह रही है, क्रोध को जीतना इतना आसान नहीं है। मुझे ही देख लो, कितने वर्षों से रोज गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी गुस्सा आ ही जाता है। ओके कट इट, रोज रोज एक ही डिस्कशन। तुम सबके गीता पर उठने वाले प्रश्नों से मैं तंग आ गया हूं। आज पूरे दिन में दो श्लोक की भी शूटिंग नहीं हुई है। ऑल राइट, पैकअप। आज इतनी जल्दी पैकअप? डोंट वरी, ये इस मूवी का आखिरी पैकअप है। बॉलीवुड के फिल्मी जगत से आज की ब्रेकिंग न्यूज। 5-time ऑस्कर अवार्ड विनर मशहूर फिल्म डायरेक्टर पार्थ कपूर ने श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित अपनी अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म की शूटिंग अचानक बंद करवा दी है। जी हाँ, डायरेक्टर के मन में गीता से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न उठ खड़े हुए हैं जिनका उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। क्या पार्थ कपूर का अपनी मोटिवेशनल मूवीज के द्वारा धरती पर फिर से राम राज्य लाने का सपना अधूरा रह जाएगा? इससे जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। गीता ज्ञान इतना ऊंच और श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी शिक्षाओं को धारण करना इतना मुश्किल क्यों है? जब जिंदगी की दौड़ में कहीं रुक जाता है मानव, उलझनों के बोझ से कहीं झुक जाता है मानव, प्रश्नों के समंदर में दिलाने सत्य ज्ञान की स्मृति, देखो आ गई है पार्थ तुम्हारे अंदर की जागृति। मैं हूँ जागृति,
the awakening of your soul. Jagriti? Awakening? हाँ पार्थ, मैं ही तो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब हूँ। क्या सच में? तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि गीता की शिक्षाओं को धारण करने में हमें इतनी मेहनत क्यों लगती है? तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल जायज है पार्थ, आओ तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं जागृति जी? ये आज हम फिर से म्यूजिक सीखेंगे। चलो बच्चों, आज की म्यूजिक क्लास शुरू करते हैं। पहले मैं गाऊंगा, फिर आप साथ गाना। ओके? ओके सर। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। वेरी नाइस। अब सब एक एक करके गाएंगे ताकि मुझे सबके सुर और ताल का पता चले। ओके? ओके सर। जन्म मरण के बंधन में एक तू ही कभी नाता है। जन्म मरण के बंधन में। नहीं नहीं, आपके सुर बिगड़ रहे हैं। अभी आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। नेक्स्ट। जन्म मरण के बंधन में। ताल ठीक नहीं है बेटा आपकी। इतनी बार सिखाया है आपको, इतना इजी तो है, आपसे हो क्यों नहीं रहा? नेक्स्ट। जन्म मरण के बंधन में एक तू ही कभी नाता है। तभी तो सदा पूज तू, ना तेरा पिता न माता है। वाह, बहुत सुंदर। देखा आप सबने, हर्ष ने कितना जल्दी सीख लिया। नेक्स्ट टाइम आप लोग भी प्रैक्टिस करके आना, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। वाओ, तुम कितना अच्छा गाते हो, बिल्कुल सर की तरह। सच में, और तुम इतना जल्दी पिकअप कैसे कर लेते हो? हम तो इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। वेरी सिंपल, क्योंकि सर ही तो मेरे पापा हैं। व्हाट? तुम सर के बेटे हो? हाँ, इसीलिए ही तो संगीत मेरे जीन्स में है। मुझे खास कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सुरीली आवाज तो मुझे पापा से विरासत में मिली है। ओह, अब समझ में आया तुम्हारा सीक्रेट। चलो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। विरासत, पिता, और ये गीत की लाइन? देखा तुमने पार्थ, आ गई पिता से बच्चे में संगीत की कला स्वतः जैसे, आ सकते हैं परमात्म गुण भी स्वतः हम बच्चों में वैसे। पिता के संबंध से खुदा से नाता जोड़ लो, सुख शांति प्रेम की ओर जीवन की नैया मोड़ लो। हाँ, आपकी बात तो सही है। मैं तो सदा भक्त बनकर भगवान से मांगता ही रहा, तो क्या इसीलिए ही हमें क्रोध को जीतना मुश्किल लगता है? क्रोध महाशत्रु है, गीता में हम पढ़ते आए, पर लाख कोशिश करके भी क्रोध को जीत ना पाए। लेकिन हे पार्थ,
खुद को जरा पहचान। तुम हो शांत स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा, शांति के सागर की संतान। महाज्योति को याद करो, यही है सच्चा गीता ज्ञान। तभी ईश्वरीय गुणों की विरासत सहज अनुभव कर पाओगे। क्रोध तो क्या, सभी विकारों को बिना मेहनत जीत पाओगे। इसका मतलब हमें श्री कृष्ण को पिता के रूप में याद करना चाहिए। लेकिन गीता ज्ञान तो यूनिवर्सल है। कहा भी जाता है गॉड इज वन, पर सभी धर्म वाले तो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। अति सूक्ष्म रूप है उसका, ना मानो उसे तुम स्थूल। भगवान को देहधारी समझना है संसार की एकज भूल। हर धर्म करे स्वीकार जिसे, वो कैसे हो सकता है साकार। जब सभी धर्म शास्त्र कहें उसे कि वो तो है ज्योति बिंदु निराकार। इसका मतलब गीता के भगवान निराकार है। प्रभु नाम तेरे अनेकों है, पर रूप हमेशा एक रहा। अपनी भाषा में तेरे रूप को सबने प्रकाश कहा। ईसा ने कहा तुझे लाए, मोहम्मद ने नूर पुकारा है। वाह, थैंक यू जागृति जी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। क्या मैं भी उस निराकार भगवान से मिल सकता हूँ? मेरे जाने का तो समय हो गया है, लेकिन तुम जैसे जिज्ञासु से तो भगवान खुद मिलना चाहते हैं। What do you mean? असिस्टेंट डायरेक्टर का फोन। हेलो, क्या नई स्क्रिप्ट? सच्ची गीता? ब्रह्मा कुमारी सेंटर? मैं वहीं आ रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज, श्रीमद् भगवद गीता पर बन रही मूवी की शूटिंग बंद हुए आज पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब इस मूवी की शूटिंग एक नए सिरे से, एक नई दृष्टिकोण के साथ फिर से शुरू हो चुकी है। सुनने में आया है कि डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम ने ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर ईश्वरीय ज्ञान लिया और सच्ची गीता यानी ईश्वरीय महावाक्यों पर आधारित एक अनोखी स्क्रिप्ट तैयार की है। तो आइए देखें कि आज सेट पर क्या चल रहा है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। यदा यदा धर्मस्य, हे अर्जुन, जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानी होती है तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पर आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं और राम राज्य की पुनर्स्थापना करते हैं। यही वो समय है अर्जुन, जब वो आए हुए हैं। तो स्वयं को आत्मा समझ निराकार परमात्मा शिव को याद करो, तो तुम श्री कृष्ण समान सर्वगुण संपन्न बन जाओगे। निराकार